हेलो स्टूडेंट्स सो द फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट ऑफ क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स, डेवलपमेंट डेवलपमेंट वर्ड सुन के सबके दिमाग में अपने अपने एस्परेशन्स और डिज़ायर्स आते हैं जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी के लिए कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है किसी के लिए कुछ इम्पॉर्टेंट है कोई चाहता है कि लाइफ बेटर बने लोगों के लिए कोई चाहेगा लोग साथ में रहें कोई चाहेगा इक्वालिटी ज़्यादा हो

हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस के सब्जेक्ट में भी इन्वॉल्व होता है ऐसा इसलिए है बिकॉज द वे वी लिव टूडे इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पास्ट अगर हम कुछ चेंज करना चाहते हैं बिना जाने कि पास्ट में उसके एक्सपीरियंसेस कैसे थे वो पॉसिबल नहीं है हम अपने एक्सपीरियंसेस से ही सीखते हैं इसलिए इट इज़ ओनली थ्रू डेमोक्रेटिक एंड पॉलिटिकल प्रोसेस कि हम डेमोक्रेटिक और पोलिटिकल प्रोसेस के थ्रू ही इन पॉसिबिलिटीज को अचीव कर सकते हैं रियल लाइफ में सो नाउ व्हाट डेवलपमेंट प्रोमिस सी फॉर डिफरेंट पीपल देर आर डिफरेंट गोल्स फॉर एन एग्जाम्पल लैंडलेस रूरल रेबरस वॉट दे वॉन्ट उनको क्या चाहिए होगा ज़्यादा बेटर वेजेस मिले उनको उनके घर के पास में एक स्कूल हो जहाँ क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराया जाए उनके बच्चों को सोशल डिस्क्रिमिनेशन ना हो वहाँ और वहाँ उनको भी एक मौका मिलता मिला उनको भी एक मौका मिले कि वो लीडर्स बन सकें विलेज में वैसे ही अब दूसरी तरफ देखें तो एक रिच गर्ल फ्रॉम अ रिच अर्बन फैमिली उसके लिए डेवलपमेंट गोल्स और एस्पिरेशंस क्या होंगी कि इसको ज़्यादा फ्रीडम मिले उसके ब्रदर की जैसे वो अपने डिसाइड कर सके कि वो क्या चाहती है लाइफ में क्या परस्यू करना चाहती है लाइफ में दैट इज़ वॉट डेवलपमेंट गोल्स आर फॉर हर मोस्ट so, लाइकली क्या होता है हर किसी के डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग होते हैं वो उन चीजों के बारे में सोचते हैं जो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दैट इज दैट विच कैन फुलफिल देयर एस्पिरेशंस और डिजायर्स दे थिंक अबाउट दोज थिंग्स व्हेन वी थिंक अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ एन इंडिविजुअल पर्सन इन फैक्ट कभी कभी दो पर्सन या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन ऐसी चीजें भी डेवलपमेंट में एस्पायर करते हैं जो कॉन्फ्लिक्टिंग हो सपोज एक गर्ल एक्सपेक्ट करती है कि उसे फ्रीडम मिले अपॉर्चुनिटी मिले बट ऑन कॉन्ट्ररी उसका ब्रदर ये ना चाहे उसको नहीं अच्छा लगे हाउस होल्ड में शेयर करना वर्क और फ्रीडम और अपॉर्चुनिटी इट हैपन्स सिमिलरली कभी कभी आप लोग न्यूज वगैरह में देखते होंगे कुछ इंडस्ट्रियलिस्ट ड्राम्स बनाना चाहते हैं वहाँ के पर रूरल जो फार्मर्स हैं उनको ये बहुत खराब लगे उनके लिए उनकी लैंड में उनकी लिव, लिविंग डिस्टर्ब हो उससे सो so ये भी एक कॉन्ट्री डेवलपमेंट गोल है फार्मर्स प्रिफर करेंगे कि छोटे चेक चैकडाउस बन जाए टैंक्स बन जाए रिकट करने के लिए लैंड को सो दैट आज वॉट नाउ सो कंक्लूड वी गॉट टू थिंग्स इन क्वाइट क्लियर सो द फर्स्ट वन इज डिफरेंट पर्सन कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स अलग अलग लोगों के अलग अलग डेवलपमेंट गोल्स होते हैं दिस इज द फर्स्ट वन वॉट इज द सेकेंड वन वॉट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर इट मे इवन बी डिस्ट्रक्टिव फॉर अदर सो सेकेंड वन क्या बोलता है एक के लिए वो डेवलपमेंट जो है वो जरूरी नहीं है दूसरे के लिए डेवलपमेंट हो ये कॉन्ट्रोडिक्ट भी करते हैं जैसे कि सपोज कर लो सबसे बेसिक एग्जाम्पल लेते हैं कि टीचर चाहती है कि आप पढ़ो बट आप उस टाइम पे जाते हो कि नहीं हमें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज भी चाहिए तो आपको खेलने जाना है तो दैट इज़ अ कॉन्ट्राडिक्टी डेवलपमेंट गोल्स ओके सो एन टेबल वन पॉइंट वन में अगर आप देखें तो जो लोग सबसे ज़्यादा डिजायर करते हैं जो बेसिक चीजें वो जो डिज़ायर करते हैं वो क्या होते हैं उनको रेगुलर वर्क मिले यानी स्टेबल जॉब मिले जॉब सिक्योरिटी उनको कभी भी किसी भी टाइम पे जॉब से निकाल ना दिया जाए सेकेंडली बेटर वेजेस मिले डिसेंट प्राइस मिले उनके क्रॉप्स के लिए या अलग जो चीज़ें वो प्रोड्यूस करते हैं सो इन ऑल दे वॉन्ट मोर इनकम बेसिकली आप अपने डेवलपमेंट गोल्स को एक जगह रख के देखें तो आप चाहते हैं कि आपको आगे चल के फ्यूचर में बेटर इनकम मिले और या तो प्रेजेंट पे भी आप बेटर इनकम और बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ चाहें अब इनकम के अलावा लोगों के पास और भी चीज़ें होती हैं जो वो डिजायर करते हैं जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट फ्रीडम सिक्योरिटी रिस्पेक्ट ऑफ अदर्स ये भी चीजें हैं जो इंसान की लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होती है अभी आपको ये थोड़ी छोटी मोटी चीजें लगेंगी बट सोचो आप सेम क्लास में हैं और उस टाइम टीचर आपको आपके फ्रेंड के कंपैरिजन में आपको ज्यादा डांट रहा है बट काम आप दोनों ने गलत किया है सो so, अगर आपको ज्यादा डांट पड़ रही है तो वो आपके लिए अनईक्वल ट्रीटमेंट हो गया ना सो so, तब आपको इनकम तो so, तब आपको इनकम फैक्टर मोटिवेट नहीं करेगा तब आपको आपका अदर फैक्टर्स जो होंगे जो आपके इमोशनल फैक्टर्स होंगे वो आपको मोटिवेट करेगा कि आप आप अपनी वॉइस रेज करें कि मैम दिस इज़ नॉट राइट यू शुड ट्रीट अस इक्वली ये जो इमोशनल फैक्टर्स होते हैं ये इंपॉर्टेंट गोल्स होते हैं इनफैक्ट कभी कभी तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि इनकम और कंजप्शन को भी पीछे छोड़ देते हैं राइट right? तो ये उनसे आगे बढ़ जाते हैं मनी और मटेरियल थिंग्स जो होती हैं वो एक इंसान उससे बहुत सारी चीज़ें खरीद सकता है ये एक फैक्टर है जिस पर लाइफ डिपेंड करती है बट हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ हमारे नॉन मटेरियल थिंग्स पर भी डिपेंड करती है जो हमने अभी मैंशन करी थी जैसे इक्वल ट्रीटमेंट फ्रीडम सिक्योरिटी रिस्पेक्ट एंड अद अगर आपको लगता है ऐसे सही में कि मनी पे ही लाइफ डिपेंड करती है अभी तक तो आप ये सोच सकते हो कि आपके फ्रेंड आपके पेरेंट्स की वैल्यू आपके लाइफ में कितनी ज़्यादा है तो दोज आर नॉट ड्रिवन बाय मनी दीज आर नॉन मटेरियलिस्टिक थिंग्स इन लाइफ डेट वी रिक्वायर एक दूसरा एग्जाम्पल लेके देखते हैं इफ़ यू गेट अ जॉब इन अ फार ऑफ प्लेस अगर आपको जॉब मिल रही है किसी दूर जगह पे, अब उस ऑफर को एक्सेप्ट करने से पहले बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर करेंगे इनकम के अलावा जैसे फैसिलिटीज़ आपकी फैमिली का और वर्किंग एटमोसफियर कैसा है वहाँ पर अपॉर्चुनिटी अलग आपको लर्न करने की मिल रही है कि नहीं मिल रही है दूसरे केस में एक जॉब है जो आपको रेगुलर एम्प्लॉयमेंट दे रही है और आपके सेंस ऑफ सिक्योरिटी को बढ़ा रही है वो टाइप ऑफ जॉब्स आपको यहाँ पे मिल रही हैं तो आप देखते हैं कि इसमें मोस्ट ऑफ द पीपल सेकेंड नंबर की जॉब को ज्यादा चूज करेंगे डिपेंडिंग ऑन देयर सिचुएशन सिमिलरली फॉर डेवलपमेंट पीपल लुक एट बिग्स गोल्स इट इज ट्रू दैट वुमेन आर एंगेज इन पेड वर्क देयर डिग्निटी इन द हाउस होल्ड एंड सोसाइटी इनक्रीजेज आते हैं कि अगर वुमेन पेड वर्क है अपनी जॉब कर रही है सोसाइटी में डिग्निटी बढ़ती है घर में भी उसकी रिस्पेक्ट होती है बट सेम अगर रिस्पेक्ट जरूरी नहीं है कि उसके काम से ही आए अगर वो घर में लोग उसकी रिस्पेक्ट कर रहे हैं अगर कोई वुमेन जॉब नहीं कर रही फिर भी उसका एक्सेप्टेंस ज़्यादा है उससे हाउस होल्ड वर्क शेयर कर रहे हैं सेफ़ एंड सिक्योर एनवायरमेंट अगर आप वुमेन को मिलता है तो वो और वैराइटी ऑफ जॉब्स उसके पास अपॉर्चुनिटी आएगी कि उनको जॉब में बिजनेस अपना रन कर सके या तो वो जॉब कर ले या वो अपना बिजनेस रन कर सके डेवलपमेंट गोल्स डेट पीपल हैव आर नॉट ओनली अबाउट बेटर इनकम बट अबाउट अदर इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन लाइफ सो यहां तक हमने बात करी इंडिविजुअल डेवलपमेंट गोल्स की अब हम बात करते हैं नेशनल डेवलपमेंट की नेशनल डेवलपमेंट से हम क्या समझते हैं कंट्री का होल में डेवलपमेंट राइट right? अब हम सोचते हैं कि इंडिया के लिए आपके लिए एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया वॉट आर द डेवलपमेंट गोल्स सो आई गेव यू टेन सेकेंड्स टू थिंक अबाउट इट अब आप सोच रहे होंगे बहुत सारे डिफरेंट आंसर्स अब इनमें से आपका कुछ कुछ श्योर भी नहीं होंगे सो so ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि डिफरेंट पर्सनस के डिफरेंट डिफरेंट नोशंस हो सकते हैं कंट्रीज डेवलपमेंट के लिए भी क्या सारे बट इम्पॉर्टेंट बात यह कि क्या सारे आइडियाज़ हम इक्वली कंसिडर करें इम्पॉर्टेंट या फिर इनमें से कुछ कॉन्फ्लिक्ट करें तो क्या किस बेसिस पे हम डिसाइड करें कि कौन सा बेटर है कौन सा नहीं है क्या वो लार्ज नंबर ऑफ पीपल को बेनिफिट करेगा तो नेशनल डेवलपमेंट के बारे में हम जब सोचते हैं तो इन क्वेश्चंस के आंसर्स भी हम चेक करते हैं सो so ना अब एक केस स्टडी है हमारे पास इसमें अ वेस्टर्ड डम्प्ड 500 टन ऑफ लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट इनटू ओपन एयर डंप्स इन अ सिटी एंड इन द सराउंडिंग सी दिस हैपेंड सिटी कॉल्ड अबिरजन इन एवरी कोस्ट कंट्री इन अफ्रीका द फ्यूम्स फ्राम द हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज नोसिया स्किन रैशेज फेंटिंग डायरिया एक्सेट्रा सो हुआ क्या एक वेसल था उसने फाइव हंड्रेड टर्न आप समझ सकते हैं बहुत ज्यादा होता है लिक्विड टॉक्सिक वेस्ट यानी केमिकल वेस्ट ओपन एयर में डम कर दिया सिटी के और उसके आसपास क्या था सी से सराउंड थी वो सिटी ये कहाँ हुआ एक एवेरी कोस्ट में अफ्रीका में एक कंट्री है अफ्रीका कंट्री में एक आइवरी कोस्ट करके सिटी है वहां पे द फ्यूम्स फ्रॉम हाईली टॉक्सिक वेस्ट कॉज नोजिया स्किन रैशेज एंड फेंटिंग डायरिया उस फ्यूम से क्या हुआ बहुत सारी अलग अलग टाइप्स ऑफ डिजीजेस हो गई लोगों को जैसे कि नोजिया आना स्किन रैशेज फेंटिंग डायरिया एक्सेट्रा अब एक महीने बाद सेवन पर्सन वर डेड ट्वेंटी वर इन हॉस्पिटल एंड ट्वेंटी सिक्स थाउजेंड ट्रीटेड फॉर सिम्टम्स ऑफ पॉइजनिंग अब आप देख सकते हैं कि एक सिंपल सी मिस्टेक से कितना ज्यादा डिजास्टरस हो गया एंड आई वुड नॉट से सिंपल इट वॉज अ बिग मिस्टेक अब ये क्यों हुआ मल्टीनेशनल कंपनी डीलिंग इन पेट्रोलियम एंड मेटल्स हैड कॉन्ट्रैक्टेड अ लोकल कंपनी ऑफ आइवरी कोस्ट टू डिस्पोज शिप अब एक एम मल्टीनेशनल कंपनी ने क्या किया जो पेट्रोल में डील करती थी उसने कॉन्टेक्ट किया लोकल कंपनी से कोस्ट की लोकल कंपनी से उन्होंने कांटेक्ट किया और वहां पर डिस्पोज करा दिया टॉक्सिक वेस्ट सो दिस वॉज अ वेरी बैड सिनेरियो ऑफ डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स फॉर डिफरेंट पीपल अब आप देखो इसमें कौन से लोग थे जिनको उसमें बेनिफिट मिला और कौन से नहीं ऑब्वियसली जो एमएनसीज थी इनको तो बेनिफिट मिल गया इनकी तरफ से तो वेस्ट हट गया बट जो नॉर्मल पीपल जो वहाँ रह रहे थे अफ्रीका के जो सिटीजन्स हैं उनको कितनी प्रॉब्लम हुई इससे तो इस कंट्री के डेवलपमेंट गोल्स क्या होने चाहिए सो so आप ये सोच सकते हैं इस कंट्री के डेवलपमेंट गोल्स ये होने चाहिए कि अपना एडमिनिस्ट्रेशन सही करें इनको ये अलाउमेंट नहीं होना चाहिए था कंट्री में जो कंपनी काम कर रही है लोकल कंपनी कि वो ऐसे ही किसी का भी वेस्ट डिस्पोज कर दे डैट शुड नॉट बी अलाउड सकते हैं आपके टाउन विलेज और लोकैलिटी के लिए क्या डेवलपमेंट गोल्स होने चाहिए हाँ फॉर नाउ देयर इज कोरोना वायरस स्प्रेड सो आई थिंक द डेवलपमेंट गोल्स फॉर अ टाउन विलेज और लोकेलिटी शुड बी टू मेंटेन एंड फॉलो प्रॉपर सैनिटाइजेशन एंड फॉलो द गाइडलाइंस बाय गवर्नमेंट एंड होप दैट दिस लॉकडाउन शुड बी ओवर सून and वी कैन गेट वैक्सीन फ्रॉम दिस कोरोना वायरस अब एक कंट्री के अंदर भी लोगों के आइडियाज अलग अलग होते हैं कंट्री को डेवलप करने के जैसे आप देखते हैं अपोजिशन पार्टीज होती हैं जो राइट नाउ कंट्रोल में जो पार्टीज हैं उनके अगेंस्ट uh, बहुत सारे uh, उनके बीच में बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट वगैरह होते हैं डेवलपमेंट आइडियाज को लेके जब जी आया था इंडिया में तब आपने देखा था कितना कन्फ्लिक्शन हुए थे एंड सिमिलरली जब हमारे पास डीमोनिटाइजेशन uh, हुआ था तब आपने देखा था कितने कॉन्फ्लिक्ट हुए थे सो डेवलपमेंट गोल्स तो होते हैं बट उनको अचीव करने के वे में द वे ऑफ अचीविंग दैम इज़ ऑल्सो कॉन्फ्लिक्टिंग हम चाहते हैं करप्शन हटे बट वो किस तरीके से हटे वो भी इम्पोर्टेंट है उसका भी हमें बेस्ट बेस्टर बेस्ट मेथड चूज करना होता है नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ टू कंपेयर डिफरेंट कंट्रीज और स्टेट्स अब आप सोच सकते हैं डेवलपमेंट अलग अलग मीनिंग है हमने बात करी डेवलपमेंट की मीनिंग्स हर किसी के लिए अलग हैं बट कैसे आप देखते हैं कि कुछ कंट्रीज़ ज़्यादा डेवलप्ड हैं कुछ कंट्रीज अंडर डेवलप्ड हैं इस चीज़ पे आने से पहले हम एक क्वेश्चन कंसिडर करते हैं जब हम दूसरी दूसरी अलग अलग चीज़ों को कंपेयर करते हैं तो हम कैसे कंपेयर करते हैं अगर मैं बोलूं कि एक क्लास में 50 स्टूडेंट्स हैं तो मुझे उनको कंपेयर करना है अब सब लोग सोचेंगे कंपेयर करना है तो मे बी कोई स्टूडेंट बोले कि मैम कंपेयर कैसे करें राइट right? तो क्वेश्चन आता है कंपेयर तो करना है बट किस तरीके से कंपेयर करें सो द मेन वर्ड अराइज हेयर इज बेसिस ऑन विच बेसिस शुड आई कंपेयर एवरी वन Height basis or education basis or talent basis, you know, according to weight, on the basis of weight, and there are different things on the basis which we can compare. So, in order to compare the countries, we take the most important thing that is common between everyone. Okay, for now, for uh, continuing on the example of the class, if you are going to compare a class. For the, what is the most important thing in a class to compare obviously the grades or the way the people pay attention in the class the students are paying attention in the class or not so these are the most important basis to compare the children for teacher right now so that's how for comparing for comparing different countries the most important basic basis is income. सो यूजली वी टेक वन आर मोर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पर्सन एंड कम्पेयर दैम ऑन द बेस्ड ऑन दीज करेक्टरिस्टिक्स फॉर कंपेयरिंग कंट्रीज दियर इनकम इज कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या होती है इनकम कंट्रीज विथ हायर इनकम आर मोर डेवलप्ड विद लेस इनकम आर लेस डेवलप्ड दिस द बेसिक थिंग क्यों बोलते हैं ऐसा इसलिए होता है कि ज्यादा इनकम मतलब हम ज्यादा चीजें अफोर्ड कर सकते हैं हमारी कम इनकम है यानी हम कम चीजें अफोर्ड कर सकते हैं सो so, एक बेसिक बात है जो हम सबको पता है सो नाउ ग्रेटर इनकम इट्स सेल्फ इज कंसिडर्ड टू बी अप इन वन इम्पॉर्टेंट गोल ठीक है अब हम हमें ये तो पता पड़ गया हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट है कंपेयर करने के लिए इनकम बट इनकम अगर हमें कंपेयर करनी है तो हमें पहले इनकम मेजर करनी पड़ेगी अगर हमें मेजर करनी है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा हम कैसे मेजर करें तो बेसिकली अब आप लोगों से मैं कोई में से पूछूँ कि हम इनकम कैसे मेजर करेंगे कंट्री की तो मोस्टली मेरे को आंसर मिलेगा कि टोटल कर लो सब लोगों की इनकम को राइट right. बट अगर हम ऐसे टोटल करेंगे तो हर कंट्री की पॉपुलेशन अलग अलग होती है अगर मैं ये कह रही हूं कि कुछ सौ जने मिलके वन लाख कमाते हैं और वहीं दूसरी जगह एक हजार लोग मिलकर वन लाख कमाते हैं तो कौन सी कंट्री बेटर है ऑब्वियसली जहाँ सौ लोग मिलकर वन लाख कमा रहे हैं राइट तो पॉपुलेशन पर भी डिपेंड करता है कमा तो दोनों वन लाख ही रहे हैं बट इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ पीपल हु आर अर्निंग दैट मनी इसलिए हम एवरेज इनकम यूज करते हैं एवरेज इनकम मेथड में क्या होता है हम टोटल पॉपुलेशन से कंट्री की इनकम को डिवाइड कर देते हैं वी डिवाइड द इनकम ऑफ द होल कंट्री बाय इट्स पॉपुलेशन सो हमें क्या मिलता है एवरेज इनकम मिलता है जिसको हम और अल्टरनेटिवली हम क्या कहते हैं पर कैपिटा इनकम सो यू हैव टू लर्न दिस वर्ड पर कैपिटा इनकम दैट ऑल्सो मीन पर पर्सन इनकम ऑन एन एवरेज इनकम डेवलपमेंट की जो रिपोर्ट आई थी जो वर्ल्ड बैंक ने निकाली थी उन्होंने ये क्राइटेरिया यूज किया था क्लासिफाई करने का कंट्रीज को, सो मिनिमम इनकम इनकम और मैक्सिमम दी गई थी वर्ल्ड बैंक की तरफ से जो क्लासिफाई करती है रिच कंट्रीज और लो इनकम कंट्रीज को सो so, इंडिया कौन सी कैटेगरी में आती है लो मिडिल इनकम कैटेगरी में आती है जो रिच कंट्रीज होती है हम उनको डेवलप्ड बोलते हैं जो लो इनकम कैटेग कैटेगरीज में कंट्रीज आती है उनको हम अंडर डेवलप्ड बोलते हैं मिडिल इनकम कैटेगरीज में जैसे कि इंडिया है उनको हम बोलेंगे डेवलपिंग कंट्रीज सो आई होप नाउ एवरेज इनकम इज क्लियर टू यू ऑल चलो हम देखते हैं एक एवरेज इनकम का हमारे पास पैराग्राफ है इसमें हम क्या पढ़ते हैं वाइल एवरेज आर यूजफुल फॉर कंपेरिजन दे ऑल्सो हाइड डिस्पेरिटीज मीन्स एवरेज तो हमारे लिए यूजफुल है कंपेरिजन के लिए पॉपुलेशन वाइज बट इसमें कुछ चीजें हैं जो छुप जाती हैं जैसे फॉर एग्जाम्पल फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जैसे ए और बी दो कंपनीज हैं ए और बी दो कंट्रीज हैं, हैं। अब इन कंट्रीज में ए कंट्री में तो ऐसा होता है कि हर कोई 500 500 500 रुपीस रुपीज अर्न कर रहा है और बी कंट्री में कैसा होता है कोई 200 कोई 500 कोई वन थाउजेंड कोई वन लैक सो so, अब इसने इस, इस सिचुएशन में क्या डिफरेंस आया इस सिचुएशन में ये डिफरेंस आया कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप इन दोनों तो में से कौन सी कंट्री में रहना चाहेंगे तो आप कहोगे बी कंट्री में रहना चाहेंगे ठीक है अगर आप बी कंट्री में रहने के लिए बोलते हैं तो आपको ये पर्टिकुलरली बोलना पड़ेगा कि जो लास्ट में जो इंसान वन लैक अर्न कर रहा था मैं उसके जैसे बन के रहना चाहूँगा फाइन बट देखा जाए तो कौन सी कंट्री बेटर है ऑब्वियसली कंट्री ए बेटर है जिसमें हर कोई 500 500 500 कमा तो रहा है बट हर कोई इक्वली हैप्पी है बट देखा जाए बी कंट्री में वहां पे कुछ लोग ज्यादा कमा रहे हैं कुछ लोग बिल्कुल कम कमा रहे हैं सौ भी कमा रहा है कोई पचास भी कमा रहा है सो so, वहां पे क्या होता है रिच पर्सन इनकम का सबसे ज्यादा पोर्शन ले जाते हैं सो दैट इज रॉन्ग सो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि वो बी कंट्री डेवलप्ड है भले ही उसकी इनकम ज्यादा हो ओवरऑल इन टोटल क्योंकि वो टोटल इनकम तो ज्यादा है बट वो इनकम किन हाथों में है सिर्फ कुछ फ्यू पीपल के हाथों में है इसलिए तो हम कहते हैं एवरेज इनकम यूजफुल तो है कंपेरिजन के लिए बट ये हमें बताती नहीं है कि इनकम डिस्ट्रीब्यूटेड कैसे है अमंग पीपल हाउ द इनकम इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग नॉट वॉट इट टेल्स अस So here is what the disadvantage we get for average income.